हाय दोस्तों, रीसेल की एक प्रॉपर्टी आई है दरवेज होराइजन। ये मीरा रोड में बिल्कुल ठाकुर मॉल के अपोजिट में है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो स्टेशन। ये बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप टच कर जाते हैं। रीसेल की प्रॉपर्टी अभी भी जस्ट पोजिशन हुआ है, इसका टोल नाका तो अभी निकल चुका है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए टोल नाका अभी नहीं है। और आइए कुछ झलकियाँ मैं दिखाता हूँ आपको, पहले देखें आप, उसके बाद फिर इन डिटेल आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने झलकियां आपको दिखाया ना दरवेज होराइजन का, इसका डिटेल मैं आपको बताऊं। मैं हूं विकास वरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वरनवाल में। आइए इसी प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, एरिया कॉन्फिगरेशन, सारा कुछ। 2.5 BHK की प्रॉपर्टी है ये। वैसे तो इसमें 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 2.5 एंड 3 BHK, 5 टाइप की प्रॉपर्टी है। 5 टाइप में रीसेल में हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी है जो सस्ते में अर्जेंट में प्राइस में सेल करने के लिए आया हुआ है, तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ 2.5 BHK है, वेस्टर्न दरवेज होराइजन का मैं 2.5 BHK दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, और इसका जो हॉल यानी कि लिविंग डाइनिंग एरिया बड़ा है। और स्टार्टिंग में जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिल जाता है। किचन में दो साइड आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसका लेंथ देख लें, इधर इसका बेसिन दिया हुआ है, सामने गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और इस तरफ इसका वॉशिंग मशीन का प्रोविजन दिया हुआ है। एंट्री में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, आप चाहें तो अंदर भी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है, यानी कि पाउडर वॉशरूम है। ये आप देख लें, स्टार्ट में बेसिन और जो फिनिशिंग टाइल्स वगैरह देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही सब फिनिश करके मिलेगा। सारे ब्रांडेड एसेसरीज मिलेगा, प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिकल का। बेसिन के बाद कमोड, कमोड के बाद आपको वॉश एरिया दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है, इसके बाद मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसका कॉमन बेडरूम। ये मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, सेम 10 फुट का आपको मिलेगा। लेंथ बहुत अच्छी दी हुई है। इस तरफ आपका एक बैल्कनी दिया हुआ है करीबन 2 से 3 फुट का, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है सामने ही, और आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। और मैं विंडो के साइड से आपको बेडरूम का लेंथ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक बेडरूम का स्पेस भी इतना बढ़िया दिया हुआ है। किसी के जस्ट अपोजिट में इसका मास्टर बेडरूम है, यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। ये बेडरूम का मैं आपको लेंथ और इस तरफ से इसका विड्थ दिखा रहा हूँ। हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, सेम 10 फुट का आपको मिलेगा। लेंथ बहुत अच्छी दी हुई है। इस तरफ आपका एक बैल्कनी दिया हुआ है करीबन 2 से 3 फुट का, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है सामने ही, और आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। और मैं विंडो के साइड से आपको बेडरूम का लेंथ दिखाता हूँ। और आगे आने के बाद मास्टर बेडरूम का वॉशरूम सेम पैटर्न इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एंड में बाथ एरिया, कमोड एरिया और बेसिन एरिया दिया हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा बेडरूम देखते हैं। इसका दूसरा भी इसका मास्टर बेडरूम है। 2.5 BHK के कंसेप्ट में बहुत कम 2 मास्टर बेडरूम और 1 हाफ बेडरूम देखने को मिलता है। जनरली इसको आप 3 BHK कह सकते हैं, क्योंकि 2 मास्टर बेडरूम और 1 कॉमन बेडरूम आपको मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं 6x7 का बेड डालने के बाद भी एक अच्छा खासा बड़ा जगह आपको मिलता है। और आगे आने के बाद मास्टर बेडरूम का वॉशरूम
सेम पैटर्न इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एंड में बाथ एरिया, कमोड एरिया और बेसिन एरिया दिया हुआ है। बालकनी इसमें चार चार फुट की बालकनी सारे फ्लैट्स में है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोर्थ फ्लोर पे दिखा रहा हूँ, जो इसका पहला माला है, फोर्थ स्लैब यानी चौथा माला इसका पहला माला है। इसके नीचे थर्ड फ्लोर पे सारी एमिनिटीज है, G+2 इसका पोडियम पार्किंग है। तो एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका फिर वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है सामने ही, और आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे वार्डरोब के लिए अलग से आपको जगह दिया हुआ है। अंदर से इसका व्यू कैसा है वो आप पूरी तरह से देख लें। फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा है वो आप पूरी तरह से देख लें। यहाँ तक का इसका 2.5 BHK का फ्लैट है। ये इसका पैसेज दिया हुआ है, हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट दिया हुआ है, 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। इसमें एक स्टेयरकेस इस तरफ है इसका, और इस तरफ 2 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसका। अभी मैं एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ वेस्टर्न दरवेज होराइजन का। आप देखें करीबन ये 24 से 25 फुट हाइट है अप्रॉक्सीमेटली, और इस तरह रिसेप्शन काउंटर है, डिजाइनिंग इटालियन मार्बल। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि एंट्रेंस लॉबी बहुत मायने रखता है बिल्डिंग में। जब आप फर्स्ट कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक अच्छा इम्प्रेशन मैंने देखा है बनाता है। इधर लिफ्ट लॉबी है और इस तरफ स्टेयरकेस दिया हुआ है। अभी इसका देखते हैं रोड से इसका एलिवेशन कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है वेस्टर्न दरवेज होराइजन का। आइए दरवेज होराइजन का कनेक्टिविटी, हाईवे, मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रैक, एलिवेशन ये दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस है मेन, और सामने आप देख सकते हैं कमर्शियल है, ऊपर इसका जो एलिवेशन रेडी हो चुका है। सामने एक विंग है, इसके पीछे 4 विंग है इसका। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो ट्रैक, और आगे ही जस्ट 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका मेट्रो स्टेशन है। ये मैंने आपको कनेक्टिविटी दिखाया है। अभी और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट। बेस्ड इन मुंबई, वी कोलैबोरेट विद द सिटीज टॉप डेवलपर्स टू ब्रिंग यू प्रीमियर प्रॉपर्टीज दैट फिट योर लाइफस्टाइल एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ लग्जरियस अपार्टमेंट, कमर्शियल स्पेस और रीसेल फ्लैट्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स थ्रू ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 100 प्रोफेशनल्स एंड ओवर 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. अभी आपने फ्लैट देख लिया है, इसका डिटेल मैं आपको बता दूं। दरवेज होराइजन प्रोजेक्ट का नाम है और दही सर चिकना का नियर अजीत पैलेस होटल के पास में बना हुआ है। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, अभी जस्ट पोजीशन हुआ है, और 17-17 माले का टावर है इसमें। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट दिया हुआ है, 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। अनटच फ्लैट आपको मिलेगा विद पार्किंग, पार्किंग इसका पोडियम पे है। और फोर्थ फ्लोर पे ये फ्लैट है, और रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है थर्ड फ्लोर से। व्यू नेशनल पार्क व्यू, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को व्यू यहां से मिलेगा फ्लैट के अंदर के विंडो से। टोटल हिंदू और कॉस्मो लोकैलिटी के लोग हैं यहां पे, सारे सब टाइप के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहां पे दिया हुआ है। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें वहां पे। एमिनिटीज इसमें स्विमिंग पूल, लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, पार्टी लॉन, सीनियर सिटीजन एरिया, एक्यूप्रेशर पाथवे, क्लब हाउस, गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन एरिया, सब कुछ यहां पे ये दे रहे हैं। कनेक्टिविटी में दहिसर मेट्रो स्टेशन, इस्कॉन मंदिर, ठाकुर मॉल, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब 5-10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। फैशन फैक्ट्री, डी मार्ट, बाबा फालूदा, डोमिनोज पिज्जा, बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं बड़े बड़े ब्रांड के, एडिडास, नाइकी, रिबॉक, पेंटालून, स्केचर, ये सब इसके जस्ट अपोजिट में ही है, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाकुर मॉल पास में है। ये फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, 10-10 हजार स्क्वायर फुट के बड़े बड़े कमर्शियल शॉप है जो मैंने ब्रांड की बात किया है। इसमें ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड का कुछ बोलना नहीं, बिल्डिंग के बाहर ही है। ठाकुर मॉल और मल्टीप्लेक्स थिएटर के जस्ट अपोजिट में है ये। 2.5 BHK विद पार्किंग, 881 स्क्वायर फुट का, यानी कि 881 स्क्वायर फुट का है, जिसकी कोटिंग प्राइस 1.40 crore है, 1.40 crore है, बट ये अच्छा खासा नेगोशिएट होगा। वैसे भी हाईवे पे अगर ये प्राइस है तो बहुत बढ़िया प्राइस है, ये प्राइस में वहाँ पे फ्लैट है नहीं। और भी कुछ अर्जेंट सेल में हमारे पास 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 2.5 और 3 BHK आया हुआ है। मैं आपको अभी ऑनलाइन अनाउंसमेंट के लिए इन्वेस्टर्स ने कुछ ने भी बोला हुआ है, कभी थोड़ा रुकिए, फिर भी बता दूं कि यहाँ पे अच्छे प्राइस में आए हुए हैं। फोन करिए अगर आप फायदे का
प्रॉपर्टी लेना चाहें तो। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो मैंने प्राइस बताया है अलग से आएगा, और ये तो मैंने रीसेल का अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आई थी दरवेश होराइजन में, जिसका मैंने वीडियो बना के डाला हूँ। और आज के वीडियो में इस रीसेल का प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के नए नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ हमेशा मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वरुण वाल पे। इस तरह के अर्जेंट सेल रीसेल की प्रॉपर्टी हो, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, जो 30-40% डिस्काउंट पे मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, तो हमेशा देखो बिल्डर जब लॉन्च करते हैं लॉन्च के पहले करीबन 10-15% अमाउंट उसका कम रहता है, 10-10% 15-15% सस्ता रहता है जब वो प्री लॉन्च स्टेज पे रहते हैं। आप भी अगर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके बताइए, और इस तरह के फायदे वाली प्रॉपर्टी, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी या रीसेल की प्रॉपर्टी मैं डालता रहता हूँ हमेशा। आपका अगर अर्जेंट बेचना हो तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली, और हमारे टीम और हमारे जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे की वीडियो देखने के लिए। और ये दो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी दो प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।